गदर 2 की सफलता के बाद सनी देओल रुकने का नाम नहीं ले रहे। उनकी झोली में एक के बाद एक फिल्में आती जा रही हैं। सनी देओल जल्द ही बॉर्डर 2 और लाहौर 1947 में नजर आने वाले हैं। अब दिग्गज एक्टर ने अपने पंख फैलाने और शुरू कर दिए। यही वजह है कि अब सनी देओल के पास साउथ की फिल्म भी है, यानी बड़े भाई भी छोटे भाई भी बॉबी देओल की राह पर निकल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल साउथ के बड़े डायरेक्टर गोपी चंद मालिनेनी की फिल्म में नजर आने वाले हैं। गोपी चंद मालिनेनी ने अपनी पिछली फिल्म वीरा सिम्हा रेड्डी से काफी सफलता हासिल की थी। निर्देशक ने बाल कृष्णा को बेहतरीन तरीके से पेश करने के लिए खूब तारीफें बटोरी। गोपी चंद मालिनेनी की अगली फिल्म बॉलीवुड के एक्शन हीरो सनी देओल के साथ है। ये जोड़ी सभी के लिए एक बड़ा आश्चर्य भी हो सकती है। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार निर्माता ने इस फुल बोल्डेज एक्शन एंटरटेनर के लिए जट शीर्षक तय किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीम का मानना है कि जट सही शीर्षक होगा, जो फिल्म की कहानी और सनी देओल के आभा मंडल दोनों के अनुसार होगा। कहा जा रहा है कि सनी देओल एक बार फिर से एक बड़ी भूमिका निभाएंगे और रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पूरी शूटिंग सितंबर 2024 तक पूरी भी हो जाएगी। पिछले हफ्ते हैदराबाद में फिल्म जट का औपचारिक पूजा समारोह भी हुआ था। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड कल्ट को सब्सक्राइब करें।